जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। 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 शांति श्री आप यो। जय श्री माता जी। दीदी जय श्री माता जी। इन द मीन टाइम जस्ट वॉच स्पेस। Can you see how all the planets are moving around the sun? Yes. This is Saturn, this is Jupiter, this is Uranus, and you know, they move around the sun, and this movement is not linear movement. It is vertical, ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वगामी है, और ये स्पाइरल है। ये कुंडलिनी के मूवमेंट में एक्चुअली मूवमेंट्स होते हैं, एंड दे आर नॉट राउंड्स, दे आर पैराबोलास। इफ यू कैन सी, लुक एट द वीनस प्लैनेट। ये स्वाधिष्ठान चक्र है हमारा। स्वाधिष्ठान चक्र, सॉरी, ये हमारा सेंट्रल हार्ट है। हार्ट है बेसिकली वीनस। Yeah, see, this is Jupiter, this is Mars, Mars is our Mooladhar, this is our Brihaspati Grah, Nabhi and the surrounding area. Saturn is a Vishuddhi, this is a Ardhbindu, and this is Mars, see, isn't it orangish red? This is on a Mooladhar Chakra. So, कहते हैं ना, मांगलिक हो गया, मंगल ग्रह खराब है, तो जो इसका मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट हमारे चक्र का नहीं है, उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। तो मंगल ग्रह हमारे मूलाधार को प्लावित नहीं कर पाता, नरिश नहीं कर पाता। और ये श्री गणेश जी का ग्रह है। श्री गणेश जी मंगल के दिन पैदा हुए थे, मंगल है। और मनुष्य, सभी मनुष्य मंगल की तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं, इसके ऊपर जाना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। बहुत रहस्यमय उनके लिए ये प्लैनेट है। ये सैटर्न देखो कितना खूबसूरत है। शनि ग्रह, पूरी रिंग है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स बोलते हैं इसको। और बिल्कुल सुदर्शन चक्र के टाइप का है ये। श्री कृष्ण जी हमारे चक्र में होते हैं। कितना खूबसूरत है देखो, ये बहुत ही सुंदर है। जैसे सबसे बड़ा ग्रह इसको ही माना जाता है, जुपिटर को। और हमारे चक्रों में भी ये देखिए, पेट में कितना बड़ा भवसागर है हमारा, जो पेट है उसके बियॉन्ड जाना होता है। कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है देखो, कितना ब्यूटीफुल है सैटर्न। शनि ग्रह, ये पूरा हमें, अगर अपने विशुद्धि चक्र में हम इसको अंदर फील कर पाए, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। कभी आप इसे ट्राई करते रहा करिए। नॉलेज तो बहुत हमारी हो जाती है इन सेशंस में, बट आर वी ट्राइंग आउट दीज थिंग्स, या सिर्फ एक जानकारी के लिए? जैसे अभी तक इतनी किताबें पढ़ी, वो पढ़ पढ़ के छोड़ दें। कभी अनुभव किया क्या, उसका एक्सपेरिमेंट किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आपको अनुभव आ जाएगा ना, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना सुंदर घूम रहे हैं। ये यूरेनस है जो हम कहते हैं ना, कि हमारे ऊपर के जो चक्र हैं वो कहाँ पे हैं, शरीर के बाहर के जो चक्र होते हैं, अर्ध बिंदु और बिंदु। और ये अभी लीनियर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शनि के बाद
आपका यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपच्यून है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ये 360 डिग्री में होते हैं, ये हवा में होते हैं, तो ये ऐसे रेखीय गति में नहीं है और ना ही ये इस तरह से मतलब स्थित है हमारे शरीर के अंदर में। क्योंकि कोई भी चीज जब ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है तो आप ये नहीं, और इसके बाहर भी एक और चीज मूवमेंट कर रही है, सब सन के बाहर घूम रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव जो दो ग्रहों के बीच की दूरी है वो अंदाजा ही लगाया जाता है। ये नेपच्यून है, गाढ़ा नीला रंग नेपच्यून का है और हल्का नीला रंग यूरेनस का है, अर्धबिंदु और ये बिंदु चक्र शरीर के बाहर जो है। ये प्लूटो है, श्री माता जी ने कहा, देखिए इसमें लिखा है यम ग्रह बोलते हैं, श्री माता जी ने कहा है, मैं यहां से आई हूं, आई कम फ्रॉम प्लूटो, और ये एक ऐसा ग्रह है जिसको काल्पनिक बोलते हैं। बाकी सब ग्रहों पे इंसान जा भी चुका, खूब इन्फॉर्मेशन भी स्काई लैब से जा तो नहीं चुका, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी जो हम भेजते रहते हैं नीचे से, अंतरिक्ष यान स्पेस जेट्स भेजते रहते हैं, लेकिन प्लूटो पे नहीं भेज पा रहे हैं हम, प्लूटो पे नहीं भेज पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा नहीं है, कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो प्लूटो है ये तो बहुत छोटा सा है और ग्रह इससे बड़े हैं, तो श्री माता जी ने क्यों बोला है कि मैं यहाँ से आई हूँ, और इस पे मानव कुछ पहुंचा नहीं पा रहा है। और जो भी एक बार डिस्कवरी में देख रही थी तो उसमें लिखा हुआ था ये इसके अंदर लपटे हैं, आग है, जैसे फ्लेम्स टाइप का है ये, और जो ये फ्लेम्स है ये इसमें से ठंडी हवाएं आती हैं, जैसे हमारे हाथों से कूल ब्रीज आती है ना, तो वो फ्लेम में से आग नहीं आती है। तो इसी तरह से जब हमारा सहस्त्रार यहाँ पे खुलता है ना, तो वो लपटों के रूप में दिखता है, फ्लेम्स की तरह, जो हमारा कमल होता है। कितना सुंदर है, देखो प्लूटो है ये, इस पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है ना पहुंच ही पाएगा। अगर श्री माता जी ने कह दिया तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि वो प्लूटो से आई है। ये ग्रह, उपग्रह, ये नक्षत्र, ये सब हमको ना स्पेस के देखते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करने, ध्यान यात्रा पे चलते हैं ना, और जब हम आकाश के परे अंतरिक्ष में जाते हैं, तो हम क्या विजुलाइज करते हैं, हम कैसे चित्त के माध्यम से वहां पहुंचते हैं, तो इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अंतरिक्ष से हमारा बहुत गहरा संबंध है, इसलिए जब भी आप, और समुद्र से भी बहुत गहरा संबंध है, जब भी आप वीडियोस देखेंगे आपको लगेगा कि आपकी उनके साथ एकाकारिता होगी, बहुत थॉटलेसनेस की फीलिंग आती है। प्लीज एक्सपीरियंस ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, और ये सब इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि श्री माता जी ने हमारा सहस्त्रार खोल दिया। अगर हमारा सहस्त्रार नहीं खुला होता तो इन हमें ये सब वीडियोस स्पेस के और समुद्र के देखे कोई ऐसी खास फीलिंग्स नहीं आती, या डर लगता है, या नॉर्मल हम पढ़ते जैसे ज्योग्राफी स्पेस साइंस पढ़ते हैं, लेकिन जब सहज योगी ये सब देखता है। जय श्री माता जी दी, जैसे आपने अभी बताया समुद्र को देख के आपको फील होता है, बट मुझे तो डर लगता है कि वो बहुत बड़ा है। ऐसा क्या हाँ मतलब, प्लीज मुझे डेप्थ में बताओ थोड़ा सा कि क्या समुद्र को देख के कैसे लगता है, थोड़ा सा प्लीज डिटेल में बताओ। अच्छा ठीक है, अच्छा आज के राउंड हम क्वेश्चन आंसर राउंड ही रहने देते हैं फिर, और बाद में ध्यान कर लेंगे, ठीक है। हाँ मनी, क्या प्रश्न था आपका? जी आपने अभी बताया ना, जैसे हम ऊपर आकाश को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, देखना चाहिए, और जैसे आपने बताया कि हम सातों मंडल को हम देखते हैं, और ऊपर जैसे आप बोलते हो, तो मुझे सिर्फ ऊपर तारे 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 दिखाई देते, तो
फिर मैं कहीं पर सोचती हूँ कि ऊपर और क्या है दीदी, बोलते और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, मुझे नहीं समझ में आता, फिर मैं यहीं रुक जाती हूँ। एक ये, दूसरा अभी आपने बोला कि समुंदर, समुंदर को देखना चाहिए, तो क्या मतलब मीन्स वो बहुत गहरा है समुंदर, बहुत बड़ा है, तो कोई अंत नहीं है, प्लीज एक बार इसके बारे में फिर से बता दो मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न किया मनी। आई थिंक ये बाकियों के भी मन में होंगे ये वाले प्रश्न। तो मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी पंडित तो नहीं है, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ और जो मेरी चेतना के अनुसार इसका उत्तर है वो मैं देती हूँ। और बाकी और भी कोई मतलब अगर ऐड करना चाहे तो हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे सातों चक्र हैं वो पांच तत्वों से मतलब बने हुए हैं, है ना। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्वों की बना शरीर है। और ये पांच तत्व में ही मिल जाते हैं मृत्यु के बाद, चाहे आप जला दें चाहे आप दफना दें, ये पूरा शरीर पंच तत्व में ही मिल जाएगा इवेंचुअली, ठीक है ना। तो अब जब हम हमारे चक्र जागृत हो गए, जब तक जागृत नहीं है तब तक हमको एकाकारिता का अनुभव नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखिए जो हमारा भवसागर है ना, जो हमारा भवसागर है उसको क्यों कहते हैं भवसागर, क्यों कहते हैं भवसागर, वो एक्चुअली सागर है। तो जब हम फुट सोकिंग करते हैं और हम समुद्र देवता का मंत्र लेते हैं और हम ये जानते हैं कि समुद्र देवता हमको स्वच्छ कर देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सागर में वो क्षमता है कि वो किसी भी चीज को शुद्ध कर सकता है। कोई भी पृथ्वी की, ब्रह्मांड की चीज बह के, चाहे आपके फूल हैं, पत्ते हैं, या आपकी जड़ों के अंदर अंदर से जो पानी बहता है, इवेंचुअली वो सागर की तरफ जाता है। सारी नदियां सागर की तरफ जाती हैं। और जो समुद्र तल है वो सबसे गहरा नीचा पॉइंट है, इसीलिए किसी पहाड़ की ऊंचाई बताना हो या कुछ बताना हो तो कहते हैं समुद्र तल से इतना ऊंचा, या जब पानी ऊपर बहने लगे नदी का तो कहते कहते समुद्र तल से इतना ऊपर बह रहा है। तो इसका मतलब जो सबसे नीचे का पॉइंट है, अगर मैं बोलूं कि मैं इस समय कितनी ऊंचाई पे बैठी हुई हूं, कहां से आप मेरी ऊंचाई नापना शुरू करेंगे, समुद्र तल से, बिकॉज वो सबसे नीचे का पॉइंट है। इसका मतलब आप देखो कोई भी चीज जो सबसे नीचे है, आप कहीं भी कुछ भी फैला दो तो वो सब नीचे ही आकर के रुकेंगे, जो सबसे नीचे का पॉइंट है ना। अगर कहीं पे गड्ढा है और वो नीचे है और उसके ऊपर चारों तरफ आप कितना भी पानी डाल दो, बाथरूम में भी ढाल बनाते हैं जब फर्श लगाते हैं, क्यों ढाल बनाते हैं, क्योंकि नीचे स्तर की तरफ सब चीजें जाती हैं इवेंचुअली। सारी मटेरियलिस्टिक चीजें कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ, कहाँ पे, सागर में, सब जाके सागर में ही मिल जाता है। और जो गैसेस चीजें हैं, जो फ्लेम है, वो जाती है आकाश की तरफ, है ना, ईथर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। इसलिए हमारे नीचे के जो चक्रास हैं, हमारा मूलाधार, हमारा स्वादिष्ठान, हमारा नाभि चक्र, ये हमारा फुट सोकिंग से, जिसको हम जब नमक में पानी में नमक डालते हैं तो हम कहते हैं ओम तमेव साक्षात श्री समुद्र देवता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, है ना। तो वो उसके अंदर जाता है, मतलब जब हमारे पैर उसके अंदर जाते हैं तो हम उसको समुद्र सदृश मानते हैं, तो वो हमको ये तीन चक्र हमारे स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ तक ना भवसार, अब यहाँ पे ये किससे स्वच्छ होगा, ये वायु से स्वच्छ होगा, ये ईथर से स्वच्छ होगा, ये
ताप से, अग्नि से, सूर्य से स्वच्छ होगा, और यहाँ पे आने के बाद तो हम इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, सब तत्व तो मिल गए, सब जितनी भी नस नाड़ियां हमारी सब यहाँ पे आके इकट्ठी हो गए, जितने भी हमारे चक्र है वो सब यहाँ पे आके सहस्त्रार, सारे चक्र, सारे देवी देवता हमारे, उनकी पीठ, उनकी सीट हमारे सहस्त्रार में, और श्री माता जी के कंट्रोल में सब कुछ है। लिम्बिक एरिया हमारा सहस्त्रार है, जिसके स्वामिनी श्री माता जी निर्मला देवी जी है ना। तो अब हम बात करते हैं कि समुद्र से हमको डर क्यों लगता है। ये बिल्कुल सच बात है, समुद्र से बहुत ज्यादा डर लगता है लोगों को, और उनको सी सिकनेस भी होती है और वो उसमें नहीं जा पाते हैं। लेकिन मुझे समुद्र में जाना बहुत अच्छा लगता है, और शुरू से ही अच्छा लगता है, बहुत आकर्षित करता है ये समुद्र, बहुत आकर्षित करता है मुझे अंदर, ये मुझे आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, खिंचाव महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जितने हमारे चक्र स्वच्छ होंगे उतना ही हम इनसे रिलेट करेंगे, क्योंकि जब हम निर्विकल्प की स्थिति में पहुंचते हैं, पहले हम निर्विचार होते हैं, जब हम निर्विकल्प की स्थिति में पहुंचते हैं तो हम एलिमेंट्स में मिल जाते हैं, हम उनके अंदर समा जाते हैं। हमारी प्रार्थना क्या होती है कि मुझे ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना लीजिए, मुझे बूंद को सागर में मिला दीजिए। तो जब बूंद सागर में मिल गई तो वो खुद ही सागर बन गई ना। जब हम ब्रह्मांड के अंग प्रत्यंग बन गए तो हम पूरा ब्रह्मांड बन गए ना, हम ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। आप देखिए सारे ग्रह हमारे अंदर है, सारे तत्व हमारे अंदर है। तो जैसे ही हम रिलेट करते हैं उन चीजों से, अपने चक्रों को, अपने अंदर जो स्थित तत्व हैं वो जागृत हो जाते हैं, हमारे अंदर एयर जाके जागृत हो गए, ईथर जाके जागृत हो गया, परम चैतन्य ने उसको जागृत कर दिया, तो हमारी एकाकारिता होती है। तो इसका मतलब जो सहयोगी होते हैं, देखें जो माँ ने बताया कि एक बार वो गई थी एक साक्षात्कारी से मिलने के लिए, तो उन्होंने वर्षा को वो रोक देते थे, है ना। तो और ये बहुत नॉर्मल चीज है, आप भी कभी ट्राई करना, जब आप जितना जितना आप सहज में आगे बढ़ रहे हैं, कि आप चाहे तो सूर्य निकलते हैं, आप चाहे तो सूर्य ढक भी जाते हैं, आप चाहे तो वर्षा हो जाती है, आप चाहे तो वर्षा रुक भी जाती है। आप बहुत घबरा रहे हैं वर्षा से, आप कहें श्री माता जी बस अब सूर्य देवता के दर्शन दीजिए, आप देखिए आप ही साक्षात सूर्य हैं श्री माता जी, ये बोलना बहुत जरूरी। ये नहीं बोला तो फिर ये एकाकारिता महसूस नहीं होगी, फिर वो यू कैन कंट्रोल एलिमेंट्स, आप तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उस लेवल का निर्विकल्प का ध्यान करने। तो जब आप उनको देखते हैं तो ऐसे लगते हैं ना, अब आप मायके से क्यों रिलेट करते हैं, अब आप पैदा हुए हैं, अब वहीं से बने हैं, वहीं पे आपने सब, हम भी वहीं से पैदा हुए, इसलिए हमको एकाकारिता लगती है। हम माँ को देख के, मैंने आज तक ऐसा कभी रियलाइजेशन में नहीं देखा कि माँ की तस्वीर को देख के लोग निर्विचार ना हो जाए या उनको श्रद्धा ना आ जाए, क्योंकि हम उन्हीं से निकले हैं, आदि शक्ति से ही बने हैं हम, आदि शक्ति का स्वरूप हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूप में बैठा हुआ है। तो हमारी कुंडलिनी श्री माता जी की फोटो को देखते ही खुश हो जाती है, तुरंत खुश हो जाती है, क्योंकि हम वहीं से आए हैं, माँ से ही हम निकले हैं, सभी देवी देवता हम सब, पूरा ब्रह्मांड श्री माता जी से निकले। तो और हम सब क्यों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, मैं क्या जानू कौन है मनी, मैं क्या जानू शांति श्री कौन है, मैं क्या जानू जो भी इतने सारे लोग यहाँ बैठे, मैं तो आप में से किसी को नहीं जानती ना, लेकिन कितना प्रेम है। क्यों हम रोज सुबह एक दूसरे के साथ आके ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, क्या लगाव है हमारा, क्या कनेक्शन है हमारा,
हमारे दिल में और किसी भी जो मुझसे जुड़े लोग हैं, और ये सबके अनुभव होंगे, बस ये है कि आप सेंसिटिव कितने हैं उनको महसूस करने के लिए कि ये अनुभव आया। अनुभव आ रहे हैं लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी चेतना उस तरफ नहीं है। योर अवेयरनेस इज नॉट देयर। अवेयरनेस टुवर्ड्स अनकॉन्शियस इज स्टिल यू नो कहीं ना कहीं अभी नहीं है। आपकी आत्मा अभी भी अनकॉन्शियस में है। पूरी तरह से जब आपकी अवेयरनेस में आ जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, उसी वक्त आपको सबसे जुड़ाव लगेगा, सबसे प्रेम लगेगा। किसी भी सहयोगी को कुछ तकलीफ हो, दूसरे सहयोगी को होनी ही होनी है। अगर अमेरिका में पंगा चल रहा है तो अमेरिका हमारा विशुद्धि चक्र है, हमको विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम होनी ही होनी है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से। समझिए आप मनी, तो ये हमारा रिश्ता है इनसे, हम वहां से आए हैं इसलिए हमको वहां जा करके अच्छा लगता है। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत सुंदर। 2-4 दिन से मेरे मन में यही बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो आज मुझे उसका आंसर मिला। बहुत सुंदर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया। और कोई प्रश्न है? मेरा नाम कमल है, बस इसी हफ्ते से मैं जुड़ी हूँ। मुझे थोड़ा सा बस मैं सीख ही रही हूँ धीरे धीरे करके। आपसे पूछना था, वो जो हम ऑरा लॉक करते हैं कुछ टाइम आप सेशन से पहले कराते हैं बिगिनिंग में, कुछ टाइम आप बाद में कराते हैं, तो उन दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है, पहले करना और बाद में करने का? अच्छा, तो सबसे पहले तो जो हम ऑरा लॉक करते हैं, हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे चक्र हैं उनका एक प्रकाश है, उनका एक कलर है ना। जैसे स्वाधिष्ठान चक्र येलो कलर का है, तो अगर किसी की ऑरा येलो कलर की ज्यादा आ रही है, उसका मतलब उसका स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर है। आप ऑरा से उसके शरीर के चक्रों का भी आभास ले सकते, लेकिन वो स्थिति आपको पहले अपनी लानी पड़ेगी, हर कोई तो नहीं देख सकेगा, है ना। तो वो आभास अपने आप हो जाते हैं। श्री माता जी ने तो उंगलियों पे बता दिया कि किसका स्वाधिष्ठान चक्र गड़बड़ है, किसका नाभि चक्र गड़बड़ है। तो जो आपका प्रश्न है कि हम जो ऑरा लॉक करते हैं, तो सबसे पहली बात तो जब सबसे पहली बार करते हैं, देखिए जब हम संतुलन में होते हैं तो हमको जरूरत नहीं होती उसकी। फ्रेंकली स्पीकिंग, वी रियली नीड नॉट टेक बंधन व्हेन वी आर इन कंप्लीट बैलेंस। लेकिन इनवेरिएबली अक्सर ही ऐसा होता है कि हम लोग इंसान हैं, कभी यहाँ चित्त है, कभी वहां चित्त है, तो चित्त को एकाग्र करने के लिए जैसे ही हम ऐसे करते हैं अपने चक्रों के सामने से ऐसे ऊपर जाते, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको वाइब्रेशन दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड से आपकी कुंडलिनी शक्ति उठती है, तो आपको लेफ्ट हैंड उस चक्र के सामने रखना होता है और राइट हैंड एक्शन का होता है, तो आप उस चक्र को जागृत कर रहे हैं। आप मध्य नाड़ी में आ रहे हैं क्योंकि आपको, आप बैलेंस में नहीं, आप मेडिटेटिव स्टेट में नहीं है, आप संतुलन में नहीं है। तो जब हम अच्छे संतुलन में होते तब हमको बंधन भी नहीं लेना पहली बार, और हम जब संतुलन में होते हैं तब हम कहाँ होते हैं, ईश्वर के साम्राज्य में होते हैं, मतलब एकदम सेफ। जब हम इतने सेफ हैं और फिर हम ध्यान यात्रा में उतरे हुए हैं, तो हमको कोई भी नेगेटिव फोर्स हमको ध्यान से नहीं उठा पाएगी। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम ध्यान करने बैठते हैं, वाईफाई चला गया, तो कभी लाइट चली गई, तो कभी कोई मेड सर्वेंट रूम में आके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लगी, कुछ बच्चों ने कहा, पति ने कहा चाय दे दो, मतलब विघ्न 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 आ रहे हैं। नेगेटिविटी कभी नहीं चाहती है कि आपका योग ईश्वर से हो, वो तरह तरह से आपको परेशान करती है कि योग संभव ना हो सके। इसलिए हम जब संतुलन की अवस्था में होते हैं तो हम अपनी ऑरा को लॉक कर देते हैं कि इसके अंदर कोई आके मेरे ध्यान में बाधा
ना बने। तो जब हम भगवान से पहले बंधन लेते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है, जब हम, और अगर हम पूरे संतुलन में है, बंधन भी लेने की जरूरत नहीं है, हम एक्चुअली अपने आप को संतुलन में ही ला रहे होते हैं। हम जो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हैं और फिर तीनों नाड़ियों को बांध देते हैं, तीनों नाड़ियां हमने खींच के अपनी कुंडली शक्ति को अपने ही हाथ से उठा दिया और उसको महाकाली को लॉक किया, श्री महाकाली महासरस्वती की शक्तियों को लॉक किया। लेफ्ट हमारी महाकाली है, ये महासरस्वती है, ये एक्शन पावर है, ये इमोशन पावर है, और ये मेरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मेरे को डिवाइन से मिला। तो ये मेरी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो मेरी सुषुम्ना नाड़ी है उसमें मैं जब जाती हूँ तब मैं ईश्वर से मिल सकती हूँ। मैं लेफ्ट से चलूंगी तो मैं इधर निकल जाऊंगी, राइट से मैं चलूंगी इधर निकल जाऊंगी। तो जब मैं सेंटर से चलती हूँ तब मैं ईश्वर के साम्राज्य में पहुंच जाती हूँ और उस समय मैं निर्विचार होती हूँ। तो अगर हमको निर्विचारिता का अनुभव आ गया है तो हमको बंधन नहीं लेना पड़ता। लेकिन यदि हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है तो हम अपनी हथेली और हाथ के माध्यम से वो अवस्था को प्राप्त करते निर्विचारिता। इसलिए पहले बंधन लिया ताकि हम निर्विघ्न ध्यान में रह सके। फिर जब हम ध्यान के बाद बंधन लेते हैं, वो मेरे को काफी इस बात से लगता है कि मैं बहुत ही केयरफुल रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अभी मतलब शायद 24 घंटे ध्यान की अवस्था में नहीं बने रह पाते होंगे, तुरंत चित्त बिखर जाता होगा यहाँ से उठने के बाद ही। तो यदि हम बंधन ले लें तो हमारी वो स्थिति, हम तीनों शक्तियों को ऊपर ही बांध देते हैं कि ये मेरी कुंडलिनी जो चढ़ी हुई है, जो इससे मैं पूरी उठी हुई है, ये ऐसे ही दिन भर उठी रहे और मैं ध्यान से ही कार्य करूं, मैं ध्यान से खाना बनाऊं, मैं ध्यान से पढ़ाई करूं, मैं ध्यान से रास्ता क्रॉस करूं, ध्यान से गाड़ी चलाऊं, मैं सब कुछ ध्यान से करूं। सुन तो हम बचपन से रहे लेकिन अनुभव अब आया कि ध्यान में अगर हम हैं तो कोई काम खराब नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान में रहने का मतलब है वर्तमान में रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इज बीइंग इन मेडिटेशन। ओके, इसलिए हम बाद में बंधन लेते हैं ताकि जब हमारा चित्त ना बिखरे और हम सांसारिक दुनिया में जाएं भी तो हम उसी अवस्था में रहें और हम सारे कार्य उसी अवस्था में रह के आराम से कर सकते। बहुत ही ज्यादा अच्छे से कार्य होता क्योंकि आप लेफ्ट और राइट नहीं जाते हो, विचार नहीं आते, खाना बना रहे हो तो पूरी तरह से खाना बनाने में जो कर रहे हो उसी में पूरा चित्त है, अगर आप मेडिटेशन में हो। और इसलिए हम वहां पे अपनी कुंडली तीनों शक्तियों को ऊपर हम बांधते, ठीक है? ओके, और कोई प्रश्न? दीदी जैसे, जय श्री माता जी, जय श्री दीदी, जैसे अभी आपने, आप एटलीस्ट ये चक्रास के बारे में तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत मालूम है, लाइक कि मूलाधार यहाँ है, स्वाधिष्ठान यहाँ है, ऐसे ही दीदी तीनों नाड़ियों के बारे में कि वो हमारे बैक में, या हम उनको जब आप बोलते हैं कि ये तीनों हम नाड़ियाँ उठाते हैं तो उठाते हुए हमें अपनी अटेंशन को, अपनी अवेयरनेस को कहाँ ले करके जाना होता है, तो वो नाड़ियों की प्लेसमेंट के बारे में एक बता दीजिए। और दूसरा दीदी, जैसे अभी बिगनिंग में आपने बताया था कि मूलाधार चक्र पे जो है वो मास है, मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह का स्थिति आपने बताया था कि वो शायद एंटी क्लॉकवाइज है, वो उस नहीं, क्लॉकवाइज है, वो चलती नहीं है, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, उसको रिलेट करना बता दीजिए मूलाधार चक्र के साथ में। अच्छा, या तो हाँ, ये दोनों मुझे ये शायद समझ नहीं आया जी। जो भी ग्रह है ना वो सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और स्पाइरल मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं सूर्य के चारों ऐसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसी हमारी कुंडलिनी मूव करती है। कुंडलिनी का मूवमेंट भी क्या है, जैसे एक कोई पिलर है उसके ऊपर सांप जब चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, घूमता भी है और ऊपर भी चढ़ता है, घूमता भी है और ऊपर भी चढ़ता है ना, पूरे ब्रह्मांड का यही गति है, पूरे ब्रह्मांड की यही गति है, यानी कि स्पाइरल है ना, चारों तरफ घूमना,
गोलाकार और ऊपर की तरफ अपवर्ड, ठीक है, और ये भी अपवर्ड घूमते हैं, इसलिए इनकी सापेक्ष दूरी ग्रहों के बीच में निकालनी मुश्किल होती है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, व्हेन वी से कि आप अपने चित्त को मूल आधार चक्र पे रखिए और उसको घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाइए, ये एक एकदम नए साधक को जिसको वहां चित्त रखने से निराकार ऊर्जा तुरंत नहीं आ जाती है, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए ये अभ्यास है। ये अभ्यास है कि जब हमने अपने चित्त को अपने मूलाधार चक्र पे रखा तो हम अपने चित्त को ऐसे घुमाए, गोला बनाए, मूलाधार चक्र पे गोला बनाए, तो आपकी ऊर्जा को तुरंत वो फील आ जाएगा, ऐसे आप फील कर पाएंगे अपनी ऊर्जा को। कई बार ऊर्जा अगर एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे, पता नहीं वो तो क्या कर डालेगी, बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है जितने भी खतरनाक लोग होते हैं ना, उनकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, वो ग्रहों की दिशा में चलते ही नहीं दिशा में, समझ रहे हैं आप? तो ग्रहों की दिशा के अनुसार और मूवमेंट के अनुसार यदि हम अपने चित्त को किसी चक्र पे रखकर मूवमेंट देते हैं या फील करते हैं कि ऐसे ऊर्जा घूम रही है, तो वो एक्टिवेट सा हो जाता है। दिस इज हाउ इट गेट्स एक्टिवेटेड। एम आई क्लियर? रेखा जी दीदी, हाँ जी। और दीदी तीनों नाड़ियों के बारे में कि उनका प्लेसमेंट कैसे? अच्छा, अब ये बहुत मतलब प्रश्न बड़ा बहुत लोगों का रहता है, मेरा भी रहता था, और कि ये चक्र और नाड़ियां हैं कहाँ पे, है ना? तो श्री माता जी ने तो बहुत क्लियरली बताया, ये रीढ़ की हड्डी में है ना, और जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सारी नर्व्स और ये सब कुछ कितने संभाल के ईश्वर ने रीढ़ की हड्डी में रख दी, उसको प्रोटेक्शन में रख दिया है ना। और जो जैसे जैसे मेरा जब हम हृदय में चित्त को ले जाते हम यहाँ ले जाते राइट, लेकिन इसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में, हमने कई बार ध्यान यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से भी किया है, चक्रों पे वो करके बड़ी शीतलता आती है, बहुत ठंडक आती है, और कई बार एकदम आपको पूरा ये मतलब बैक टू बैक आप ऐसा महसूस करें रीढ़ की हड्डी पे और यहाँ पे, तो उसका जो चक्र है, तो आप सोचिए वो चक्र तो छोटा सा है रीढ़ की हड्डी में बैठा हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, मतलब इम्पैक्ट मतलब जैसे कोई धम्म से आवाज हुई या कुछ गिरा तो चारों तरफ हिल जाता है, बहुत दूर दूर तक का एरिया एकदम दहल जाता है और बहुत उसका दूर दूर तक असर होता है। सिमिलरली हमारे चक्रों का असर हमारे चारों तरफ पूरे शरीर की तरफ होता है, और बल्कि शरीर के बाहर भी होता है, वही तो मेरी ऑरा है। ऑरा और होती क्या है, आपके चक्रों की आभा ही आपकी ऑरा है, आभा मंडल बोलते हैं उसको, उन्हीं के कलर्स चारों तरफ आपके शरीर के बाहर तक भी प्रकाशित करते, तो शरीर के अंदर तो करेंगे ही करेंगे इतना एरिया कवर, लेकिन ये स्थित कहाँ होते हैं फिजिकली, रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बहुत पतली ब्रह्म नाड़ी है, जहां से आपके ये कुंडलिनी उठती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, लेकिन इम्पैक्ट उसका पूरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पूरा पूरा। आप ये ना सोचे कि अगर आपने यहाँ वो रखा तो फिर आपके चक्र तक नहीं गया, नहीं गया, यहाँ पे तो आत्मा निवास कर रही, ठीक है दीदी? ये तो वह सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, अभी यहाँ पे हम इरा और पिंगला को कहाँ आजू बाजू ही है रेखा, on the spinal cord itself, like you mean to say. Spinal cord is basically central nervous system. सुषुम्ना नाड़ी का ही वो, डॉक्टर्स ने उसको वो नाम दे दिया है ना, और सुषुम्ना नाड़ी तो एकदम वही है,
स्पाइनल कॉर्ड ही है, मुझे जो फील होता है उसके अंदर ही ये सब होता होगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड, पूरा ब्रेन उसी से चलता है मेरा, पूरा ब्रेन, यहाँ पे मेरा स्मॉल ब्रेन भी होता है ना, जो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन मुझे देता है इमिडिएटली, आग में हाथ गया तो खट से मैंने पीछे हटाया, एकदम जैसे कोई किसी मच्छर ने एकदम से मेरा हाथ यहाँ पे गया उसको मच्छर को मारने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन सब स्मॉल ब्रेन से आता है सारे के सारे, है ना। तो ये एक्चुअली सारा गेम ही और सारा ज्ञान ही, मैं तो ये बोलूंगी कि हम कितने सेंसिटिव हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वी आर नॉट सेंसिटिव टू आवर ओन सिस्टम, ये वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। श्री माता जी की कृपा से रियलाइजेशन के बाद हम उसके बारे में अब अवेयर होने लगे हैं। आप एक आम इंसान से पूछो आत्मा, वो कहेगा व्हाट आत्मा, मैक्सिमम वो ये कहेगा कि हाँ भाई बायोलॉजी में मैंने पढ़ा है, एनाटॉमी पढ़ी है, यहाँ हार्ट होता है, किडनी होती है, लिवर होता है, आप उसको बोलो सूक्ष्म तंत्र, आप उसको बोलो यहाँ आत्मा निवास करती है, वो कुछ नहीं, उसको अगर मान भी लेगा ना कि हम ये शरीर नहीं है आत्मा है, गीता में लिखा है ये है, महसूस नहीं होगी उसको। तो आप जितना महसूस कर पाते हैं, आप जितने सेंसिटिव हैं, जितने अवेयर हैं, आपकी अलर्टनेस अवेयरनेस आपको बताएगी कि आपकी नाड़ियां कहाँ हैं। वो चक्र अपने आप वहां पे बोलेगा, ठंडा हो जाएगा, घूमेगा, आपको पता चल जाएगा ये चक्र यहाँ पे है, एकदम से पता चल जाएगा। देखो दो थी, अब जैसे किसी का नाभि चक्र खराब हो जाए, वो मेरे सामने आता है तो मेरे पेट में ऐसे ऐसे मरोड़ होने लगती है, और अब मैं जब मेरे मरोड़ हो रही है उसकी क्लियरेंस हो रही है। किसी किसी का नाभि चक्र का इम्पैक्ट मेरे को मेरी रीढ़ की हड्डी पे आता है। तो ये मतलब आपको कहीं भी आ सकता है, फील कहाँ पे आप कर पा रहे हो, आप रीढ़ की हड्डी पे फील कर रहे हो या फ्रंट पोर्शन में, इट्स ऑल अबाउट योर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स, योर सेंसिटिव टूवर्ड्स नोज रनिंग टीयर्स, योर सेंसिटिव टूवर्ड्स यू नो द यू नो स्वेट, योर सेंसिटिव टूवर्ड्स हॉट कोल्ड, योर सेंसिटिव टूवर्ड्स सो मेनी थिंग्स, बट आर यू सेंसिटिव टूवर्ड्स योर चक्रास, कैन यू फील देम व्हेन दे मूव, व्हेन यू मेडिटेट, हैव यू फेल्ट योर चक्रास। जहां भी ठंडक आ रही है समझ जाइए वही है मूलाधार चक्र। अगर मैंने श्री गणेश जी का आवाहन किया और मैंने श्री माता जी के माध्यम से मंत्र लिया, श्री गणेश जी का गणेश साक्षात का मंत्र लिया, आप यकीन मानिए आपको या तो गर्म फील होगा, जिस जगह भी गर्म या ठंडा फील हो रहा है वहीं पे है मूलाधार चक्र, ये तो प्रश्न एकदम छूट जाएंगे। आप आवाहन करिए, आवाहन करिए, श्री माता जी आपको स्वयं बताएंगी कि वो कहाँ पे स्थित है। जैसे विशुद्धि चक्र का ही यहाँ पे कहते हैं ये गड्ढे इधर के पीछे, लेकिन ये ऊपर या नीचे इधर उधर कहीं भी हो सकता है, श्री माता जी ने स्वयं कहा है विशुद्धि चक्र के विषय, है ना जी। महसूस करिए, जब भी आप आवाहन करते हैं, अफर्मेशन देते हैं किसी भी चक्र का, तो आप देखिए कि किस जगह इसका असर पड़ा, कहाँ ठंडा आया मुझे, कहाँ चिंचिन हुई, कहाँ दर्द हुआ, कहाँ पेन हुआ, फील करिए। यू हैव टू गो डीप विद इन योर सेल्फ, यही योग है, चित्त का अंदर जाना ही योग है। हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियां देखो, हाथ देखो, और देखते देखते नहीं पूछा, ये योग हो गया, अपने अंदर जाते ही योग हो जाता है। तो हम अपने को जानना ही ईश्वर को जानना है। वो माँ ने कहा भी है, कबीरदास जी का दोहा है कि बिना अपाचीने भ्रम की खाई नहीं मिट सकती, डाउट्स खत्म नहीं हो सकते जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं। और हम स्वयं को कब जानेंगे, कि जब भी हम आवाहन कर रहे हैं हम उस चक्र पे, मतलब हम देखिए हमें कहाँ पे उसका असर आया,
अफर्मेशन का असर कहाँ आया? ये आप श्री माता जी से मांगे, आपको तुरंत पता चलेगा वो चक्र कहाँ है, क्योंकि उसी जगह ठंडा या गर्म आएगा तुरंत, या दर्द आएगा, जो भी स्थिति होगी उसमें। और कोई प्रश्न? रेखा आ गया आंसर आपको? हाँ जी दीदी, थैंक यू। जय श्री। और कोई प्रश्न? नहीं, किसी का कोई प्रश्न है तो फिर हम ध्यान की तरफ चलेंगे, फिर चले आगे क्या? Shall we proceed? Yes. All right. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। So we are going to start our journey, meditation journey. उसके लिए एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाइए, आंखें बंद। ध्यान के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। आंखें बंद पूरी तरह से, कोई विचार नहीं, एकदम विनम्र हो जाइए। Just do not think. Don't think. कोई विचार नहीं, ये समय श्री माता जी से एकाकारिता का है, श्री सदाशिव से एकाकारिता का है। एकदम विनम्र हो जाएंगे, कोई हलचल नहीं, कोई मानसिक या शारीरिक हलचल नहीं। बहुत सुंदर। लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, राइट हैंड पृथ्वी पे रखेंगे या पृथ्वी की तरफ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्ध है माँ, जो भी अपवित्र है माँ, इम्प्योर है श्री माता जी, वो सब आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए मां। हे परम पावनी मां, मेरी ईड़ा नाड़ी में जो भी अधूरी इच्छाएं हैं इस जन्म की या किसी भी जन्म की श्री माता जी, ऐसी सभी अपूर्ण इच्छाओं को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए मां। श्री माता जी, मेरी सभी अपूर्ण इच्छाओं को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। वो सभी इच्छाएं जो पूरी होने योग्य नहीं थी मां, जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं थी, जो अशुद्ध थे, ऐसी सभी इच्छाओं को श्री माता जी आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। विलीन कर लीजिए श्री माता जी। अपने चित्त को पूरी तरह से लेफ्ट हैंड पे एकाग्र करेंगे। अपने ही अंदर जाना योग है। अपने अंदर चलेंगे, दिल दिमाग शरीर सब कुछ लेफ्ट हैंड पे, हथेली के बीचों बीच को चित्त को यहाँ पे रख देंगे पूरा,
हथेली के बीचों बीच, देखिए अपनी हथेली को, कोई और दूसरा विचार नहीं, कोई और दूसरा कर्म नहीं, आपकी हथेली की तरफ दृष्टि बनाए रखेंगे आंतरिक रूप से, आंखें बंद रहेंगी, हथेली, पे योर अटेंशन टू योर हथेली, और हथेली पे चित्र, जैसा हमने अभी भी बात की, जब भी हम कहीं चित्र रखेंगे उसको गोलाकार रूप में घुमाएंगे चित्र को, चित्त के माध्यम से गोला बनाएंगे, हथेली के बीचों बीच बनाएंगे, एक दो तीन साढ़े तीन गोला, बहुत सुंदर। ये हमारा बायां सहस्रार है, अंगूठे पे चित्त को ले जाएंगे और चारों उंगलियों पे चित्त को ले जाएंगे, महसूस करेंगे अपने लेफ्ट हैंड को, ये हमारी पूरी इड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, सभी चक्र उंगलियों के पोरों पे स्थित है, लेफ्ट हैंड पे चित्त, बहुत सुंदर। राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में। अब देखते हैं श्री माता जी हमको क्या वरदान देती हैं, क्या आशीर्वाद देती हैं, विनती करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है माँ, ऐसी सभी कर्म, ऐसी सभी क्रियाएं, सारे एक्शंस जो सफल नहीं होंगे माँ, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है श्री माता जी, शुद्ध इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है श्री माता जी, आपके अनुसार नहीं है श्री माता जी, ऐसे सभी कर्म, सारे एक्शंस आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ, हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड के बीचों बीच जो आकाश की तरफ है, कुछ संवेदना है हथेली में, क्लियरेंस की इंडिकेशन है ये। एक बार फिर से माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है माँ, मेरी सारी विचारों से आई हुई गर्मी, मेरी सभी एक्सेसिव एक्शन से आई हुई गर्मी, आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी, लेफ्ट हैंड भारी हो रहा है बहुत ज्यादा, क्लियरेंस हो रही है, निकल जाने दीजिए इस गर्मी को, चित्त को राइट हैंड पे रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है हथेली के बीचों बीच चित्त, गोले बनाइए साढ़े तीन, हथेली पे केंद्र, केंद्र में बिल्कुल रखिए चित्त को और चारों तरफ गोला, एक चित्त के माध्यम से, दो
तीन साढ़े तीन अंगूठे पे चित्त को ले जाएंगे और चारों उंगलियों पे चित्त को स्थिर करेंगे। अपने राइट हैंड को देखेंगे, गोद में रख लेंगे दोनों हाथों को। श्री माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे मेरी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, प्लीज एस्टेब्लिश मी इन माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन माय सुषुम्ना नाड़ी। इस प्रार्थना के साथ अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे वही तरीका है गोलाकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चित्त को घुमाएंगे मूलाधार चक्र पे देखेंगे क्या यहाँ पे कुछ ठंडक आ रही है वही हमारा मूलाधार चक्र है स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे नाभि चक्र चित्त को रखें मध्य हृदय मध्य हृदय में श्री माता जी का आवाहन करेंगे बुलाएंगे श्री माता जी को माँ कृपा करके आप मेरे मध्य हृदय में पधारिए समस्त देवी देवताओं के साथ समस्त गणों के साथ श्री माता जी आप मेरे मध्य हृदय में पधारिए श्री माता जी चित्त को एकाग्र करिए पूरा चित्त मध्य हृदय में अपने ही अंदर जाना है अब हम अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट में भी ले चलेंगे और माँ से विनती करेंगे हे परम पावनी माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ माँ मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए श्री माता जी अपने चित्त को राइट हार्ट में भी ले आएंगे एक बार बैलेंस करेंगे अपने आप को तीनों नाड़ियां सातों चक्र एक यंत्र की तरह महसूस करिए जिसको संतुलन की आवश्यकता है पुटिंग देम इन द राइट प्लेसेस इन द राइट मोमेंट अंडर श्री माता जी इज ग्रेस श्री माता जी इज चित्त शक्ति राइट हार्ट विल कम बैक टू आवर सेंट्रल हार्ट मूव टू विशुद्धि आज्ञा
भारी हो रही है आज्ञा, क्षमा करिए सबको, प्लीज फॉरगिव एवरीवन, फॉरगिव योरसेल्फ्स आल्सो, अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए। क्योंकि आप निर्दोष हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए सबको, अपने आप को भी। बहुत अच्छे, सर के ऊपर चित, राइट हैंड खोलेंगे, सर को दबाएंगे और झुकाएंगे, स्कैल्प को घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपने मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, माँ मुझे मेरे आत्म साक्षात्कार में स्थित कर दीजिए, मेरा आत्म साक्षात्कार सुदृढ़ कर दीजिए। श्री माता जी, मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, मेरे ब्रह्मरंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी, माँ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, प्रेस करेंगे स्कैल्प को, मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और हाथ नीचे रखेंगे, तो पूरा सहस्त्रार पे। ठंडक महसूस हो रही है सहस्त्रार पे। तीनों महामंत्र लेंगे और गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र, ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो। श्री माता जी की वाणी थोड़ी देर के लिए तो सुननी ही होगी, उसके बिना आनंद नहीं आएगा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देन द मोर यू वांट टू डू अबाउट सच योगा, again reluctance. I have to meditate early in the morning, I have to get up tomorrow early in the morning. You see, you go on questioning yourself whole night, you won't sleep. And when you are meditating, you are losing. Relax. God is looking after you, busy. He is going to give you realization and He is going to look after you and He is going to bring you up in the morning. But relax. The first idea that I can do it is wrong. He has to. It's not working out because you think you can do it. If you
can come to this conclusion that I cannot do it, it is His mercy, His graciousness has to. But after realization, you have to do something in the sense, you have to desire. But when I say you have to desire it again, you will say, all right, now I'm going to sit down here and nail myself to this place and I'm going to sit down and desire. This desire is a dead desire. You see, just pushed onto your head that, oh, I must desire, mother has told I must desire. You have to be hungry. You don't say that I have to desire that I have to be hungry. The hunger is from within, which is there, no doubt. But is clouded. The hunger is clouded because you have fear. If you put a goat before a tiger and give him to eat, he will reduce with that eating whatever it is. Because it has that fear that there is a tiger which is going to eat. So first kill all the imaginary tigers around. Again we come back to the same. That desire must come from the within. And it is there. What is clouded? Relax. It should not be that I am very relaxed. It's charm. It's silly. A relaxed person is just like a charm. So not to get frightened. Try to relax. That's all. For everyone. But relaxation never means that you are inactive. On the contrary, the person who is relaxed is extremely active on the exterior, but inside is absolutely silent. Absolutely relaxed and at ease. Outside you may feel, as you know now, at this time, tremendous vibrations are there. And I can see the flow, tremendous. And all the chakras are doing like this around me. But I see them and they are playing. At the most I may stop talking. It is full. So whether it is for the seeking or for anything else in the world, first thing is that you must take an attitude of a relaxed witness. If you can do that, then those who are not feeling vibrations will definitely feel. I've seen people on whom I've been working, it wouldn't work. Of course, they were not wounded or anything, I know, but felt very sad that they didn't get the vibration. So I said, all right, today you go and enjoy the flowers in the garden, enjoy the birds, and talk to the sky and come back to me. It works out. Because you have been always like this. In Sahaja Yoga, you don't have to achieve anything.
First you become and then mentally you understand Sahaja. But those who try to understand Sahaja Yoga mentally first are really in for trouble. Because when you read it, it sounds so great and you can go, God, where am I? So, please, if you give realization to someone, take it easy. It will grow. Don't give advent to it. Next moment. We do it. What? We think we should impress the person that Sahaja Yoga is a great thing. And the person must take advent. So he's come to Sahaja Yoga and will establish this man because he will see and will be impressed. If somebody is going to be impressed by these things, such a person is of no use for Sahaja Yoga. Take it. If they are going to be impressed by something exterior and superficial, how far will they go? They have to achieve it within themselves, their own spirit. They have to be impressed by themselves, by their achievements. Jai Shri Mataji. अब हम अपनी ध्यान यात्रा का आरंभ करेंगे. श्री माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आज आप मुझे ध्यान की वो अवस्था प्रदान करें माँ, जो आप मुझे या अपने किसी भी अच्छे सहजी बच्चे के अंदर देना चाहती हैं, आशीर्वादित करना चाहती हैं माँ. ऐसी स्थिति आज आप मुझे, ऐसी उच्च स्थिति आज आप मुझे ध्यान की प्रदान करिए श्री माता जी, प्रदान करिए श्री माता जी. इस प्रार्थना के साथ हम अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और गहरी सांस भरेंगे और सांस को मध्य हृदय में छोड़ देंगे और फिर जगदम्बा जगदम्बा 12 बार बोलेंगे हर रोज की तरह. जगदम्बा 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 जगदम्बा. हम महसूस कर सकते हैं श्री माता जी का आगमन हमारे मध्य हृदय में, जिसका संकेत यह निर्विचारिता है. अब हम अपने चित्त को बाएं हृदय में रखेंगे और अपनी कुंडलिनी माँ से प्रार्थना करेंगे. हे कुंडलिनी माँ, हे परम पावनी माँ, कृपा करके उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए. मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए माँ. मुझे आत्मबोध प्रदान करिए श्री माता जी. मां, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं.
मेरी मन बुद्धि शरीर अहंकार आदि इत्यादि कोई उपाधि नहीं हूँ श्री माता जी, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ माँ। आप अपने चित्त को धीरे से दाएं हृदय में लाएंगे, पूरी तरह से अलर्ट और जागरूक रहेंगे अपने प्रति, यही आत्मा का गुण है। चित्त शक्ति पूरी तरह से कार्यान्वित होती है जब हम अपने चित्त को स्थिर करते हैं। दाएं हृदय पे चित्त को स्थिर करेंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे दाएं हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। माँ मेरे अंदर सभी मर्यादाओं को जागृत कर दीजिए। हृदय से बोलेंगे, श्री माता जी कृपा करके मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस जागृत कर दीजिए। I should be a responsible citizen of India. I should be a responsible Sahaj Yogi. I should be responsible in whatever worldly role you have given me, Shri Mataji. बहुत सुंदर। आप अपने चित्त को धीरे से फिर से मध्य हृदय में लाएंगे, जहां पे श्री माता जी सभी देवी देवताओं के साथ, सभी गणों के साथ विद्यमान है, विराजित है। माँ को नमन करेंगे और दुर्गा माँ की समस्त शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, सभी गणों की शक्तियों के साथ हम अपने चित्त को धीरे से ऊपर उठाएंगे, विशुद्धि चक्र में लाएंगे, आज्ञा चक्र पे लाएंगे, सहस्रार चक्र पे लाएंगे, सिर को झुकाएंगे, राइट हैंड से स्कैल्प को घुमाएंगे, माँ को धन्यवाद करेंगे, विनती करेंगे माँ से, माँ कृपा करके मेरे ब्रह्म रंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। माँ माँ मुझे आत्म साक्षात्कार देने के लिए, मुझे ध्यान की इतनी सुंदर अवस्था देने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। माँ आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझ पर इतनी मेहनत की, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत की, मेरा योग ईश्वर से कराया, आपको कोटि कोटि नमन श्री माता जी। हाथ नीचे रख लेंगे, चित्त पूरा सहस्रार पे, ठंडक है, महसूस करेंगे इस ठंडक को, महसूस करेंगे कि कुंडलिनी के छोटे छोटे धागे ऊपर निकल रहे हैं। अपने चित्त के माध्यम से ऊपर उठेंगे, अर्धबिंदु चक्र तक, सहस्रार चक्र के ऊपर 3-4 इंच ऊपर, चित्त एकाग्र रखिएगा, अर्धबिंदु चक्र और ऊपर बिंदु चक्र और ऊपर वलय और ऊपर प्रदक्षिणा और ऊपर आकाश तक ले जाएंगे।
माँ का परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ है, महसूस करेंगे परम चैतन्य को। महसूस करेंगे हमारी कुंडलिनी शक्ति जिसने आकाश से संपर्क स्थापित कर दिया है, भेदन हो गया है। परम चैतन्य को महसूस करेंगे हमारे ऊपर बरस रहा है और हम भीग रहे हैं उसमें। महसूस करेंगे कि जैसे कुंडलिनी शक्ति एक पाइप की तरह हमारे ब्रह्म रंध्र से लेके अर्ध बिंदु बिंदु वलय प्रदक्षिणा से होते हुए आकाश तक एक पाइप की तरह है और उसके अंदर अंदर से परम चैतन्य हमारे अंदर आ रहा है। परम चैतन्य को महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर में, अपने सभी चक्रों में। आज्ञा चक्र पे लाएंगे परम चैतन्य को, चित्त के माध्यम से विशुद्धि चक्र तक लाएंगे। जहां भी आपका चित्त जाएगा परम चैतन्य वहां पे जा रहे हैं। विशुद्धि चक्र, मध्य हृदय, नाभि, स्वाधिष्ठान, महसूस करिए ठंडक, मूलाधार। ठंडक को महसूस करिए निराकार ऊर्जा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर घूम रही है। ऊपर चलेंगे फिर से, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, अर्ध बिंदु, ऊपर और ऊपर बिंदु चक्र, और ऊपर वलय, और ऊपर प्रदक्षिणा, और ऊपर आकाश, और ऊपर अंतरिक्ष, सभी ग्रह उपग्रह, तारे, सूर्य चंद्रमा, आकाश गंगाएं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के परे जहां कुछ भी नहीं, निर्जन एकदम शांत शून्य सरोवर, पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मांड के परे श्री सदाशिव। बैठ जाएंगे श्री सदाशिव के श्री चरणों में, प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे आदि शक्ति के अवतरण के लिए जिससे हमारा योग शिव से संभव हुआ। नमन करेंगे, विनती करेंगे, हे परमेश्वर मेरी सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और मुझे स्वयं से योग प्रदान करें। मुझे अपने हृदय में संभालो प्रभु, ऐसा कहते हुए अपने आप को प्रकाश के रूप में महसूस करेंगे और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे। अपने अस्तित्व में आएंगे धीरे धीरे, श्री सदाशिव को नमन करेंगे और नीचे की तरफ चलेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे सभी ग्रहों के बीच से होते हुए आकाश तक आएंगे, नीला आकाश, माँ के परम चैतन्य को अनुभव करेंगे,
चारों तरफ फैला हुआ परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है लगातार। महसूस करेंगे कि हम एक झरने के नीचे बैठे हैं और भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं परम चैतन्य की वर्षा में। महसूस करेंगे सहसार के ऊपर परम चैतन्य, लेफ्ट हैंड पे परम चैतन्य, राइट हैंड पे परम चैतन्य। महसूस करिए, आपको महसूस करना है। राइट हैंड, चित्त रखिए वहां पे सर के ऊपर। लेफ्ट हैंड, चित्त रखिए, चित्त रखिए, हथेली, अंगूठा, चारों उंगलियां लेफ्ट हैंड की। राइट हैंड की भी हथेली, अंगूठा और चारों उंगलियां चित्त रखिए। परम चैतन्य को महसूस करिए। बहुत सुंदर हिलोरे आ रही है परम चैतन्य की पूर्ण संतुलन में। फिर से सर के ऊपर चित्त को लाएंगे, राइट हैंड से सर के ऊपर, और फिर आज्ञा विशुद्धि और मध्य हृदय में मां जगदम्बा को प्रणाम करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारे सहस्रार और मध्य हृदय में संपर्क, मध्य हृदय विशुद्धि आज्ञा सहस्त्र हमेशा जोड़ते रहिए इन तीनों चारों चक्रों को। सहस्त्र पे चित्त, कुंडलिनी शक्ति को महसूस करेंगे यहाँ पे। बहुत सुंदर, मंदन लेंगे, अपनी ओरा को लॉक करेंगे। एकदम शांत बैठेंगे, चित्त सहस्रार पे, चारों तरफ चित्त को ले जाएंगे, परमार्थ के लिए प्रयोग करेंगे परम चैतन्य का। अपने घर से पहले चारों तरफ घूमेंगे अपने घर में, पूरा बेडरूम धीरे धीरे बाहर निकालना है परम चैतन्य हमें चित्त के माध्यम से, सभी कमरे, किचन, सारे कमरे, एंट्री, पूरी कॉलोनी, पूरा शहर, पूरा भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष चित्त को ले जाएंगे। नक्शा याद करेंगे उस देश का, अब अमेरिका पे चित्त को ले जाएंगे, अफ्रीका पे ले जाएंगे, एशिया में ले जाएंगे, यूरोप में चित्त को ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पे भी चित्त को घुमाएंगे। हमें सारे नक्शे, पूरे विश्व के नक्शे पे चित्त को घुमाएंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके पूरे विश्व में आप हमारे चित्त के माध्यम से, हमारे सहस्रार से निकली ऊर्जा के माध्यम से पूरे विश्व में सहज योग का संदेश पहुंचवा दीजिए माँ। हमें अपना यंत्र बना लीजिए माँ।
अब रोज की तरह अपनी जो भी पर्सनल समस्या है, जिस भी व्यक्ति को बंधन देना है, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड की विशुद्धि से लिखेंगे, 7 बार जय श्री माता जी बोलेंगे और आंखें बंद करके श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरफ चित्त में मां को रखे ऐसे करके वाइब्रेशंस भेज देंगे। बहुत सुंदर वाइब्रेशन से हाथ में सामूहिक बंधन सबके लग गए हैं। जो भी समय किसी ने बंधन दिया है वो सब सफल होंगे ऐसा इंडिकेशन आ रहा है मेरे को। बहुत ठंडे वाइब्रेशन से माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। वी लव यू श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। श्री माता जी हम सबके साथ पूरे दिन, हम जो भी करें, जो भी देखें, जो भी सुने, जो भी बोले, जो और जो भी बने, उस सब श्री माता जी ही हो, उन्हीं के अनुसार हो। देखना, सुनना, बोलना, करना, बनना, सब कुछ। जय श्री माता जी।